हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मीत की हेल्दी रसोई में। तो आज मीत की रसोई में बनने जा रही है चॉकलेट वाली डिश चोको पाइज, जो कि लोटो की चोको पाइज आप बाज़ार से लेके खाते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो क्यों, ये झटपट बन जाती हैं और बड़े इजीली बन जाती हैं, तो क्यों ना घर में बनाई जाएँ और जब भी बच्चे मांगे उनको खिलाएँ हम। तो चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती हैं चोको पाइज। ये मैंने एक छोटा पैकेट मैरी गोल्ड बिस्किट्स का लिया है। तो एक छोटी कटोरी में हम 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। तो ये देखिए, 2 टेबल स्पून ये मिल्क पाउडर है लिया है हमने। इसमें हम 1 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क का डालेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कंडेंस्ड मिल्क कैसे बनता है, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये भी मैंने घर ही बनाया है, उसकी वीडियो डाली थी। तो 1 चम्मच मैंने कंडेंस्ड मिल्क डाल दिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको लगता है ये जो पेस्ट है वो थिक है तो आप 1 चम्मच दूध डाल लें। तो ये जो पेस्ट है हमें ना बहुत पतली चाहिए, ये गाढ़ा गाढ़ा ही होना चाहिए, क्योंकि हमने 2 बिस्किट्स लेके उनके बीच में इस पेस्ट को लगाना है, क्रीम को लगाना है। देखिए ऐसी होनी चाहिए जो आपने ये पेस्ट बनानी है। तो अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम 1 बिस्किट को लेके इस तरफ से हम इस पेस्ट को लगाएंगे, क्रीम जो हमने बनाई है वो लगाएंगे। अच्छे से इसको फिल कर दें और जो दूसरा बिस्किट है उसी साइड से उसको ऐसे चिपका के अच्छे से क्रीम को ऐसे फैला दें। मैंने 2 बिस्किट ही जोड़ के ये चोको पाई बनाई है। आप चाहें तो इसके साथ 1 और बिस्किट को जोड़ के फिल करके क्रीम लगा के जोड़ के 3 की भी बना सकते हैं। तो देखिए ऐसे ही हमने सारी जो बिस्किट हैं उनके ऊपर क्रीम लगा के ऐसे पेयर हमने बना लेने हैं, जैसे मैं वीडियो में दिखाया है बना रही हूँ। आप 3 बिस्किट्स को लेके भी बना सकते हैं। ये जो चोको पाइज हैं बड़ी जल्दी और झटपट बन जाती हैं और बच्चे अक्सर इन चीज़ों की डिमांड करते हैं, तो जब बच्चे चाहें आप उनको बना के खिला सकते हैं। तो ये देखिए सारी बन गई हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, 1 घंटे के लिए आप सेट होने के लिए फ्रिज में रख दें, नहीं तो फ्रीज़र में 10-15 मिनट के लिए रख दें। ये क्रीम इसमें जम चुकी है और अच्छे से ये सॉलिड बन गई हैं। अब हम डार्क चॉकलेट लेंगे। ये मेरे पास डार्क चॉकलेट पड़ी है तो मैंने उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। मेरी इस देखिए डार्क चॉकलेट में थोड़े से नट्स पड़े हुए हैं, इसलिए जब चोको पाइज बनेंगी तो आपको शायद वो नट्स दिखें, बादाम पड़े हुए हैं। तो ये मैंने माइक्रोवेव में रख के डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। उसमें हम ऐसे 1 बिस्किट जो हम क्रीम लगा के उसको बनाया जमाया फ्रिज में ऐसे डालेंगे। आप फोक से उसे निकालें और एक कोई छोटी सी ट्रे या प्लेट लें जिसमें सिल्वर फॉइल आप बिछा लें या बटर पेपर बिछा लें, कुछ भी बिछा लें ताकि वो नीचे चिपके नहीं, और ऐसे उसको फोक से ऐसे डिप करके दोनों तरफ से अच्छे से फोक से उठा के और ऐसे उसमें सिल्वर फॉइल में आप रखते जाएं। तो सारी आप ऐसे ही बना लें। ये हमने सारी रेडी कर ली हैं। इसके बाद हम इनको सेट होने के लिए 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो ये बहुत ही झटपट बनती हैं लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती हैं। देखिए ये मैंने फ्रीज़र में 15-20 मिनट के लिए रखी थी और ये जो चॉकलेट है ऊपर सेट हो चुका है, ये जम चुका है। अब मैं इनको उठा के आपको दिखाती हूँ। देखिए ये कितनी अच्छी बनी है और कितनी जल्दी बन गई हैं और कोई ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ा। और जिनके घर बच्चे हैं छोटे हैं उनका मन करता है ऐसी चीज़ें खाने का और मदर के लिए कई बार मुश्किल हो जाता है बाज़ार से लाना, तो हम इसको झटपट बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसी मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।